है, आज मैं आपके लिए दोबारा से एक रेसिपी ले आई हूँ और वो है चिकन ब्रेड पेटिस। तो उसके लिए चीज़ें चाहिए, प्याज लिया है हमने 1, और हमने रेड चिली पेस्ट लिया था। और वो आपने किस तरह बनाना है, सबसे पहले आपने चिली लेनी है, उसके अंदर आपने विनेगर डाल देना है और उसको पीस लेना है। और हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर है हमारे पास 1 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून, नमक है हमारे पास 1/2 टीस्पून, और विनेगर है हमारे पास 1 टेबल स्पून, सोया सॉस हमारे पास 1 टेबल स्पून, 1 कप हमने मिल्क लिया है, और कॉर्नफ्लोर हमने 2 टीस्पून लिया है। और ये जो ब्रेड्स हैं इनको हमने गोल शेप्स में कट कर लिया था, और हमारे पास 1/2 कप चिकन है जिसको हमने मैश कर लिया था, और ब्रेड क्रम्स है हमारे पास, और 2 अदद अंडे हैं। हम अब प्याज ऑनियन डाल देंगे। हमने प्याज को 3 मिनट्स तक इसको घुमाता है, मिक्स करते रहना है। टाइम हमारा पूरा हो चुका है और हमने मिल्क लिया था जिसके अंदर हमने कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया था। अब हमने सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं, रोक दो। 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको पका लिया है। अब हम चिकन इसके अंदर डाल देते हैं। अब हम इसके अंदर विनेगर डाल देंगे और सोया सॉस। अब हम इसको दोबारा मिक्स करेंगे। हमने इसको अच्छे तरीके से ड्राई कर लिए और अब हम इसको ठंडा होने के लिए भी रख देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा मिक्सचर कुक हो गया और अब हम इसको ठंडा भी कर लिया है। अब हम एक प्लेट लेंगे, तो अब हमें इसके अंदर थोड़ी सी वेजिटेबल डाल देनी है। अब हम इसके ऊपर रख देने, आपने इसको ज़्यादा प्रेस नहीं करना, बस थोड़ा सा कर दें। इसके ऊपर भी हमने रख दिया है। तो जैसे अब हमारे पास ये है, और हमने अंडे के अंदर रख लेना है। अब इसके ऊपर ब्रेड क्रम, इस तरीके से हमारा एक रेडी है। अब हम दूसरे को भी इसी तरीके से करेंगे। इनका बहुत अच्छा कलर आया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। माशाल्लाह से अब ये तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, जो न्यू है चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये मैं आपको चेक करवाती हूँ।